आज के समय में सभी LIC एडवाइजर्स के बीच अनंदा 2.0 एक प्रमुख चर्चा का विषय बना हुआ है। सभी एडवाइजर्स इससे पॉलिसीज करना चाहते हैं, लेकिन पॉलिसी कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि अभी इसकी एक्सेस सभी एडवाइजर्स को प्राप्त नहीं हुई है। कुछ गिने चुने DOs और कुछ गिने चुने एजेंट्स को ही इसकी एक्सेस प्राप्त है। इसकी एक्सेस प्राप्त करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जिसके द्वारा आप इसकी एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं, तो उन स्टेप्स की चर्चा भी आज की वीडियो में की जाएगी। लेकिन आपको बता दूं कि अनंदा 2.0 की फुल डिटेल ट्रेनिंग वीडियो कि आप अनंदा 2.0 से पॉलिसी कैसे करेंगे, कंप्लीट स्टेप पेमेंट तक के सारे स्टेप्स और पॉलिसी कंप्लीशन के सारे स्टेप्स इस पर बताई जाएगी, इस पर अपलोड की जाएगी। लेकिन वो तभी अपलोड की जाएगी जब इसकी एक्सेस सभी को प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि उसमें कुछ अभी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है और चूंकि अभी सभी उससे पॉलिसी नहीं कर रहे हैं, पुराने अनंदा से ही पॉलिसी कर रहे हैं, तो उसके बारे में डिटेल्ड वीडियो उस पर अपलोड की जाएगी जो कि बहुत ही ईजी, आसान और सरल भाषा में होगी जो आप आसानी से समझ पाएंगे। इसके पहले पुरानी अनंदा से जो पॉलिसीज करने के स्टेप्स बताए गए थे जो अभी फिलहाल चल रही है जिससे कि आप पॉलिसी कर पा रहे हैं, तो उसके बारे में जो ट्रेनिंग वीडियोस पर अपलोड की गई थी वो यूट्यूब पर सबसे बेस्ट वीडियो मानी गई और सभी एजेंट्स को आसानी से वो समझ में आने वाली वीडियो थी। तो उसी तरह की आसान भाषा में आसानी से समझ में आने वाली वीडियो इस पर अपलोड की जाएगी अनंदा 2.0 जब सभी को इसकी एक्सेस प्राप्त हो जाएगी और सारी असुविधाएं उसमें समाप्त हो जाएंगी और इजीली जब उसमें सारे पॉलिसीज होना शुरू हो जाएंगे। यह चैनल फाइनटेक गाइड कम्प्लीटली LIC के एडवाइजर्स को डेडिकेटेड चैनल है। यदि आप LIC के एडवाइजर हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। साथ ही इसके प्लेलिस्ट को भी आप ज़रूर फॉलो करें, वहां आप देखेंगे अलग अलग ग्रुप्स में आपके लिए उपयोगी वीडियोज़ हैं, उन सारे ग्रुप के वीडियोज़ को ज़रूर आप फॉलो करें। चलिए आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अनंदा का एक्सेस प्राप्त करने के लिए आप दो तरह से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने ब्रांच मैनेजर या फिर NBHOD को कह सकते हैं, वो एक मेल करेंगे डिवीज़न ऑफिस में, वहाँ से फिर वो जोनल ऑफिस में वो मेल चली जाएगी और फिर वहाँ से आपको इसकी एक्सेस प्राप्त हो जाएगी। दूसरी एक मेथड है, आपको एक मेल करनी होगी। मेल करने के लिए आप अपने जीमेल पर जाएंगे, जो मेल आईडी आपकी ऑफिस में दी हुई है उसी मेल आईडी को आप खोल लेंगे और खोलने के बाद वहाँ पे कंपोज मेल पर टच करेंगे और जब कंपोज मेल पर टच करेंगे तो इस तरह का ऑप्शन खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे टू और नीचे देखिए CC, यानी कि आपको दो जगह पर एक साथ मेल सेंड करनी है। तो जब आप यहाँ पे दो दिए, देखिए दो स्थान आपको दिखाई दे रही है, तो इन दोनों जगहों पर आप मेल एक साथ सेंड कर सकते हैं आसानी से। आपको लिखनी होगी वहाँ पर CO_ITProjects@LICIndia.com, ये आपको वहां पर लिखनी होगी ITProjects@LICIndia.com। ये LIC के IT डिपार्टमेंट में ये मिल जाएगी, लेकिन साथ में आपको अपने डिवीज़न ऑफिस के NB डिपार्टमेंट में भी एक मेल साथ ही सेंड करनी होगी जिससे कि दोनों जगह एक साथ ये मेल प्राप्त हो जाए। तो उसके CC में जाकर, यानी नीचे आप एक साथ दूसरी मेल आईडी टाइप करेंगे NB. अपने डिवीज़न ऑफिस का नाम लिखेंगे, जिस भी डिवीज़न ऑफिस में आप हैं, चाहे वो चेन्नई हो, मुंबई हो, हज़ारीबाग हो, आसनसोल हो, कोलकाता हो, जिस डिवीज़न ऑफिस में ही आपकी ब्रांच पड़ती है उस डिवीज़न ऑफिस का नाम यहाँ लिखेंगे। जैसे एक एग्जांपल में ले लेते हैं हज़ारीबाग, तो NB.Hazaribagh @LICIndia.com, ये एक मेल आईडी दे दी गई। अब ये दोनों डिपार्टमेंट, यानी दोनों ऑफिस में, IT डिपार्टमेंट में और साथ ही आपके डिवीज़न ऑफिस के NB डिपार्टमेंट में भी ये मेल चली जाएगी। तो ये CO_ITProjects@LICIndia.com और दूसरा NB. अपने डिवीज़न ऑफिस का नाम लिखेंगे @LICIndia.com, ये दो जगह आपको एक साथ मेल सेंड करनी है। अब नीचे आएंगे सब्जेक्ट पर, सब्जेक्ट में आपको लिखनी है फॉर एक्सेस अनंदा 2.0। सब्जेक्ट पे आपको टाइप करनी है फॉर एक्सेस, एक्सेस का अर्थ होता है पहुंच, फॉर एक्सेस अनंदा 2.0।
ये लिख दी गई। अब नीचे कंपोज ईमेल करेंगे, यानी आप अपनी डिटेल्स अब यहां पर नीचे लिखेंगे। प्लीज यहां पर लिख दीजिए प्लीज प्रोवाइड एक्सेस और अपडेट, प्लीज प्रोवाइड एक्सेस ऑब्लिक देकर अपडेट लिख सकते हैं। अपडेट ऑफ एजेंसी कोड इन आनंदा पोर्टल 2.0। ये एक सेंटेंस लिखने के बाद अब नीचे आ जाएंगे और अपनी डिटेल्स यहां पर देंगे। आपके डिटेल्स, सबसे पहले आप अपनी नेम लिखेंगे, जो भी आपका नाम है ऑफिस में वो फुल नाम यहां पर आप लिखेंगे। उसके नीचे आप अपना कोड लिखेंगे, एजेंसी कोड, फुल एजेंसी कोड आप यहां पर लिखेंगे साइड में। फिर उसके नीचे आ जाएंगे, आप अपने ब्रांच का नाम और कोड लिखेंगे। जिस भी ब्रांच में आप हैं उस ब्रांच का नाम भी लिखेंगे, साथ ही उस ब्रांच की जो कोड है उस कोड को ब्रैकेट में आप लिख देंगे। उसके नीचे आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, जो भी मोबाइल नंबर आपके ऑफिस में रजिस्टर है वो मोबाइल नंबर आप यहां लिखेंगे। और उसके नीचे आप ईमेल आईडी लिखेंगे, जो ईमेल आईडी आपके ऑफिस में रजिस्टर है, जिस ईमेल आईडी पर आपकी ड्यू लिस्ट आती है या आपके ऑफिस के सारे मैसेजेस आते हैं जिस ईमेल आईडी पर, उस ईमेल आईडी को यहां पर लिखेंगे। ये सारे डिटेल्स लिखने के बाद आप नीचे में थैंक्स एंड रिगार्ड्स लिखकर आप इस मैसेज को सेंड कर देंगे। लेकिन याद रखना है उसी रजिस्टर्ड ईमेल से सेंड करना है जो ईमेल आईडी आपकी ऑफिस में रजिस्टर है, उसी मेल आईडी को खोलकर, उसी जीमेल को खोलकर वहीं से आपको सेंड करनी है। ऊपर में देखिए एरो मार्क बनी हुई है, सेंड का ऑप्शन है, उसी जगह पर टच करके आपको सेंड करनी है। ये देखिए आपको दिखाई जा रही है ऊपर स्क्वायर में। ये सारे डिटेल्स पहले आपको ठीक से फिलअप कर लेने होंगे। आपकी जो नेम है, नेम के बगल में अपनी फुल नेम लिख देंगे, कोड लिख देंगे, ब्रांच नेम एंड कोड लिखेंगे, उसके बाद मोबाइल नंबर लिखेंगे और उसके बाद अपनी ईमेल आईडी लिखेंगे जो ऑफिस में रजिस्टर है। ये सारे डिटेल्स डालने के बाद, ये सारे डिटेल्स ठीक ढंग से फिलअप करने के बाद आप इस मैसेज को सेंड करेंगे। इसके लिए सेंड का ऑप्शन आपको पता है, जीमेल में कहां पर सेंड का ऑप्शन होता है, ये देखिए ऊपर में ये सेंड का ऑप्शन है, एरो मार्क से भी देख लीजिए, ये देखिए ये सेंड मार्क का ऑप्शन है। यहां पर आप टच करेंगे तो ये मेल दोनों स्थानों पर एक साथ चली जाएगी और उसके बाद आपके मेल आईडी पर आपकी एक्सेस कोड, आपकी पासवर्ड, ये सारी चली आएंगी। तो उम्मीद है यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इससे जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी। फिर भी यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हो या किस तरह की कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। फाइनटेक गाइड की एक्सपर्ट टीम ज़रूर आपके प्रश्नों का उत्तर देगी। इस वीडियो को ज़रूर अन्य फ्रेंड्स के बीच शेयर करें और साथ ही इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, फाइनटेक गाइड कम्प्लीटली LIC के एडवाइजर्स को डेडिकेटेड चैनल है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, साथ ही इसके प्लेलिस्ट को भी आप ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू।